प्रेजेंटेशन शेयर उनके पास है। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स फॉर ऑन द सेमिनार ऑन इस्लामिक रूल्स फॉर ट्रेडर्स। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को इस वेबिनार में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ, और इस सेमिनार का आगाज़ करेंगे तिलावत कुरान पाक से, और मैं उस तिलावत से इसका आगाज़ करता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم। एक दफ़ा आई बी एस सेंटर फॉर एक्सलेंस इन इस्लामिक फाइनेंस की तरफ से मैं अहमद अली सद्दीकी बाय से डायरेक्टर आई बी एस सी आप सबको खुशामदेद कहता हूँ इस सेमिनार के अंदर। आज का जो वेबिनार है, ये जो सेमिनार है, एक बहुत अहम टॉपिक पे हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है, और उसका जो मकसद है हम आज ये डिस्कस करेंगे कि इस्लाम में इस्लाम का तरीका तिजारत क्या है, और वो बुनियादी उसूल जो किसी ताजिर को पता होने चाहिए तिजारत के हवाले से। आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो इस पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा प्रोग्राम में तब्दीली ये हुई कि मुफ्ती साबिर हुसैन साहब, जिन्होंने ओरिजिनली इस सेमिनार को कंडक्ट करना था, उनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई, जिसकी वजह से उनको वो इसमें शरीक नहीं हो सके। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि मुफ्ती नवीद आलम साहब, जो शरिया एडवाइज़र हैं मीज़ान बैंक लिमिटेड के, उन्होंने इस मुख्तसर से नोटिस पे हमें ये टाइम दिया और ज्वाइन किया आज इस वेबिनार के लिए। और इस वेबिनार को अब मुफ्ती नवीद आलम साहब कंडक्ट करेंगे और उनकी माहिराना राय हम सुनेंगे। इसका प्रोटोकॉल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हम यहाँ पे ये जो सेमिनार है, जो वेबिनार है, इसका जो मोड है वो ज़्यादातर उर्दू होगा। इसमें हम उर्दू में डिस्कशन रखेंगे ज़्यादातर, क्योंकि हमारे जो जो ज़्यादा जो टारगेट मार्केट है या जिन जिन जो हजरात हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो ज़्यादातर पाकिस्तान से हैं, और यही हम तो इसमें हम ज़्यादा हमारा फोकस उर्दू ज़ुबान पे ही होगा। और इसमें आपके कोई सवालात हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उसको चैट बॉक्स में, यानी चैटिंग के थ्रू, आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, और उन सवालात का फिर हम आपको या तो चैट बॉक्स के थ्रू जवाब देंगे, या फिर मैं मुफ्ती साहब की तरफ उनको सवालात को रेफ़र कर दूंगा और वो इन सवालात का आपको जवाब देंगे। तो और इस सेमिनार का, जैसे मैंने आपको बताया कि आई बी एस सेंटर फॉर एक्सलेंस का क़याम का मकसद यही है कि इस्लाम का जो तरीका तजारत है, इस्लामिक फाइनेंस, इससे लोगों में इसकी आगाही मुहैया की जाए, और लोगों को बताया जाए कि कैसे वो अपनी तजारत को, अपने कारोबार को, अपने बैंकारी को शरीयत के मुताबिक, शरीयत के उसूलों के मुताबिक अंजाम दे सकते हैं। और ये सेमिनार उसी एक हमारी काविश की एक कड़ी है, जहाँ पे हम उलमाए कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आएँ और हमें तिजारत के हवाले से और कारोबार के हवाले से शरई उसूलों की से आगाही मुहैया करें। तो अब मैं बिला ताखीर मुफ्ती नवीद आलम साहब को दावत देता हूँ। मुफ्ती साहब शरिया एडवाइज़र हैं मीज़ान बैंक के, दारुल उलूम कराची से वाबस्ता हैं, और एक अच्छा वसी तजुर्बा रखते हैं इस्लामिक बैंकिंग का, इस्लामिक कारोबार के हवाले से, पढ़ाते भी हैं और ट्रेनर भी हैं। तो मुफ्ती साहब, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने प्रेजेंटेशन का आगाज करें। अगर आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप व्यू में कर लेंगे ना, तो ये प्रेजेंटेशन बड़ी आ जाएगी हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
कोई एक साहब कंफर्म कर दें मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी सबसे पहले तो मैं ये मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन साहब जिस एमरजेंसी में अपने एक अजीज की इयादत के लिए उनको जाना पड़ा, अल्लाह ताला तमाम मरीजों को मुकम्मल शिफा अता फरमाए और जिस मरीज की तीमारदारी के लिए मुफ्ती साबिर हुसैन साहब को आज यहाँ से रुख्सत लेनी पड़ी, अल्लाह ताला उन तमाम बीमारों को मुकम्मल शिफा अता फरमाए और इस वक्त इस वबाई जो वबा कोरोना की वबा जो फैली हुई है इसमें हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस वबा में मुब्तला जितने भी मरीज हैं और इसके अलावा जो मरीज हैं उन तमाम बीमारों को अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा अता फरमाए, तमाम मुसलमानों को पूरे आलम इंसानियत को अल्लाह ताला इस वबा से महफूज फरमाए, इसके मुजिर असरात से अल्लाह ताला इस पूरे आलम इंसानियत को अल्लाह ताला नजात अता फरमाए। हम आगाज कर रहे हैं अहकाम तिजारत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो आखिरी दीन लेकर आए, ये दीन बड़ा ही खूबसूरत दीन है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेअसत से पहले यानी नबी बनने से पहले भी तिजारत को इख्तियार फरमाया और तिजारत को इख्तियार फरमा कर तिजारत की वो मिसाल कायम फरमाई कि उस मिसाल से उस मिसाल और उस आमली नमूना और उस सीरत का जो पहलू था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत के बाद के तमाम अय्याम और तमाम मराहिल में वो तमाम मिसालें और वो सीरत काम आई। चुनाचे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मुशरिकीन मक्का और जितने भी मक्का मुकर्रमा के रहने वाले लोग थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं तिजारती जो आमली जो जिंदगी थी उस तिजारती आमली जिंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्क और अमानत के इस कदर कायल थे कि उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दावत नबूवत को कबूल करना और उस पर ईमान लाना जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत मुकद्दर फरमा दी थी उनके लिए आसान हुआ और वो बरमला इसका ऐलान भी करते थे और इसका इजहार भी करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया और उसका मफहूम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रिस्क इस दुनिया में तकसीम फरमाया है उसके 10 में से 9 शोबे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिजारत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आता फरमाए हैं और 10 में से 9 हिस्से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुजार को आता फरमाए हैं। तो तिजारत एक बहुत ही अजीम पेशा है और अगर हम तारीख का मुताला करें तो इस तारीख के मुताले से हमें ये बात समझ में आती है कि गुज़िश्ता जो दूसरी अक्वाम हैं उन अक्वाम के बरखिलाफ शरीयत मुहम्मदिया अली अला साहिबिहा सलावात व तस्लीमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में तिजारत को एक मुअज्ज़ज़ मोहतरम और काबिल एहतराम पेशे के तौर पर मुतारफ कराया गया और इस काबिल एहतराम पेशे और तिजारत के अंदर अमानत और दयानत के ही वो मकासिद और वो देर पा जो सिफात थी उन्हीं सिफात से दीन इस्लाम अपने सही तौर के ऊपर उस माशरे के अंदर फैला। तो अर्ज ये करना था जबकि गुज़िश्ता अक़वाम का अगर हम मुताला करें तो उन गुज़िश्ता अक़वाम में तिजारत को और तिजारत करने वालों को वो एहतराम और माशरे में वो इज्जत नहीं मिली जो एक जो दीन इस्लाम ने तुजार को अता फरमाई। चुनाचे हम इस आगे इस प्रेजेंटेशन को देखते हुए हम अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और मुख्तलिफ अहादीस से मुबारका जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई हैं उन अहादीस से मुबारका को पढ़ेंगे और समझेंगे जिससे हमें ये अंदाजा होगा कि तिजारत कितना एक अहम माशरे का एक अहम सुतून है और इस तिजारत के अंदर सिद्क और अमानत को इख्तियार करना कितना जरूरी है। अहम उनवानात ये हैं तिजारत की अहमियत फजीलत तिजारत के बुनियादी उसूल रिबा उसकी तारीफ क्या है रिबा क्यों हराम है और रिबा के मुतबादिल कुरान करीम क्या पेश करता है शराकत
मुजारबत, किराएदारी के मामलात और कस्बे हलाल और हराम जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ममनू करार दिया गया है, वो कौन से जराए हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिस्क के, वो कौन से वसाइल और जराए हैं जिनको हराम करार दे दिया गया है और जिनको मना करार दिया गया। अगर हम शरीयत के अहकाम का जायजा लें और इन अबवाब और फसूल का मुताला करें तो इन अबवाब और फसूल की तकसीम कुछ यूं है जो कि इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनकी इब्तिदा कलिमा शहादत से और अकायद से होती है। चुनाचे हदीस जिब्राइल जो सही मुस्लिम शरीफ की इब्तदाई हदीस है जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए और उन सवालात के अंदर दीन के जो पांच बुनियादी अरकान हैं उन अरकान को बयान फरमाया और उससे भी ये बात मालूम होती है कि अकायद सबसे पहले एक मोमिन के लिए दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए अपनी अकीदे की दुरुस्तगी बहुत जरूरी है। चुनाचे किताबुल अकायद में अकायद की दुरुस्तगी, अकायद के इस्लाहात के ऊपर बयान होगा और शरीयत के इन अहकामात का जो पहला हिस्सा है वो इन अकायद के मसाइल और इन अकायद के बयान पर मुश्तमिल। इन अकायद के बाद इबादात का बयान शुरू होता है और इन इबादात में जिस्मानी इबादात भी शामिल है जैसे नमाज, रोजा और इसी तरीके से माली इबादात भी शामिल है जैसे जक़ात, सदक़ात और इसी तरीके से हज भी शामिल है जो कि जिस्मानी और माली इबादात का मजमुआ है, इसलिए कि उसमें इंसान को अखराजात भी करने होते हैं और अमली तौर पर हज के इबादत किए जा पहलू शामिल हैं, यानी वो मामलात जो इंसान की अपनी माशरती जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं जिनमें निकाह के मामलात, इसी तरीके से बच्चों की परवरिश के मामलात और इसी तरीके से दीगर मामलात, ये मामलात भी शामिल हैं और इसी तरीके से मामलात के अंदर हमारी फाइनेंशियल माली मामलात भी उसमें शामिल है। तो मामलात के अंदर तिजारत भी शामिल है, अहवाल शख्सिया यानी हमारी जाती जिंदगी और माशरती जिंदगी के जो मसाइल हैं वो अबवाब भी शामिल हैं। तो इस वक्त जो हमारी और इसी तरीके से इन मामलात के साथ साथ उसमें सियासी और समाजी सरगर्मियां भी शामिल हैं, इसी तरीके से किताबुल कज़ा भी उसमें शामिल है। इस वक्त जो हमारा मौजू है वो मुआशी और इकतसादी सरगर्मियाँ, तजारत और खरीद व फरोख्त के मसाइल कि किस तरीके से एक मुसलमान अपने कारोबार और अपनी तिजारत को इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुकम्मल किस तरीके से कर सकता है। इस वक्त हम आज की इस खुसूसियत के साथ इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मनकूल है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम क़यामत के दिन अपनी जगह से कदम नहीं हिला पाएगा जब तक कि उससे पांच बातों से मुताल्लिक सवाल ना कर लिया जाए और वो उन पांच बातों का जवाब ना दे दे। जिंदगी कैसे गुजारी, जवानी कैसे गुजारी, और किया था और कितना किया। हमें हर शख्स एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश होना है, अपनी अमली जिंदगी का हिसाब देना है। इस हदीस मुबारका में जो सुनन तिर्मिजी से यहाँ इस प्रेजेंटेशन में नकल की गई है कि इसमें बहुत वजाहत के साथ जो पांच सवाल है जिसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला इस हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया है, इस जुमले से ये अंदाजा होता है कि ये इब्तदाई सवाल होगा और इससे पहले हशर के अगले मराहिल शुरू नहीं होंगे कि ला तजुल कदमा इब्ने आदम, कि एक इब्ने आदम अपने कदम हिला नहीं पाएगा अपनी
एक कदम आगे नहीं बढ़ सकेगा जब तक कि वो इन पांच सवालों के जवाब ना दे दे। और उन पांच सवालों में दो सवालों का ताल्लुक माली मामलात से है कि इस इंसान ने अपनी जिंदगी में माल कहाँ से कमाया, यानी माल कमाने के जराए शरी उसूल के मुताबिक थे, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक उस माल कमाया था, या जिन जराए को ममनू करार दे दिया गया था उन जराए को इख्तियार किया था। इसी तरीके से ये इस दुनिया के अंदर जो भी रिस्क उसने कमाया, उसने उस रिस्क को कहाँ खर्च किया। तो अगर देखा जाए तो इन ये जो पांच सवालात हैं, इनमें से दो सवाल यानी को जानना को सीखना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने तिजारती मामलात को हम अपनी तिजारती मामलात को शरी उसूलों के मुताबिक मुकम्मल कर सकें और अपने तिजारती मामलात को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल यहाँ मौजूद है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो फैसले तिजारत से मुताल्लिक और कज़ा से मुताल्लिक और अपनी खिलाफत के जमाने में जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो फैसले हैं वो और उमर फारूक अब रियासत अंदर कौल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दो अक़वाल यहाँ मौजूद हैं। एक पहले ये इरशाद फरमाया, पहले कौल में ही जो बात लिखी गई कि जिस शख्स को हलाल और हराम का इल्म नहीं है वो मुसलमानों के बाजार में ना बैठे यानी कारोबार ना करे। अगर किसी शख्स को हलाल हराम का इल्म नहीं है और वो शख्स हलाल और हराम के मसाइल से वाकिफ नहीं है तो उसको इस बात की रियासत इस्लामिया की तरफ से इस बात की इजाजत नहीं दी जा रही कि वो मुसलमानों के कारोबार में बैठे और अपनी तिजारती सरगर्मियों को जारी करे। ये रियासती हुक्म है। आप अंदाजा लगाइए कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस हुक्म का के असरात क्या होंगे। इस हुक्म के हर वो ताजिर जो इस वक्त कारोबार करने के लिए बाजार में मौजूद होगा वो अपनी तिजारती मसाइल से मुकम्मल तौर पर वाकिफ होगा और अपनी तिजारती मसाइल से मुकम्मल तौर पर वाकिफ होने के साथ साथ वो दीनी मसाइल को भी समझता होगा और वो अपने आप को और अपने साथ मामला करने वालों को हराम मामले से बचाने का मुकम्मल एहतमाम कर रहा होगा। चुनाचे जब ये रियासत की तरफ से और हुकूमत की तरफ से जब ये शर्त लगा दी जाएगी और हुकूमत की तरफ से जब ये ऐलान कर दिया जाएगा तो उसकी वजह से मुआशरे के अंदर इंसाफ फैलेगा, मुआशरे के अंदर दियानत का रिवाज होगा, खयानत से मुआशरे से खयानत कम होगी और खयानत ख़त्म होगी। इसलिए कि कारोबार की बहुत सारी शराइत और ज़वाबित ऐसी हैं कि आप देखें हम बहुत सारे मामलात ऐसे करते हैं कि जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद होती हैं, शराइत और ज़वाबित मौजूद होती हैं, लेकिन वो शराइत और ज़वाबित का बहुत सारा हिस्सा शरी उसूलों के ख़िलाफ़ होता है। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम अपने मामलात के अंदर जो हमारी लेन देन की जो टर्म्स हैं, जो शराइत और ज़वाबित हैं, उन शराइत और ज़वाबित के अंदर अहमियत के साथ जो गैर शरी शराइत हैं, जो वो शराइत और ज़वाबित जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, उन शराइत और ज़वाबित को अपने मामले से ख़त्म करें। इसी तरीके से अगले जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अगला इरशाद है जिसमें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे बाज़ार में ख़रीदो फरोख्त वही कर सकता है जो फ़िक़्ह जानता हो। तो लिहाजा ये वो रियासती अहकाम हैं। देखिए ये तिजारत के वो मसाइल हैं जो कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में रियासत इस्लामिया की तरफ से नाफिज किए गए। रियासत इस्लामिया की तरफ से जब ये अहकाम नाफिज होंगे तो इन अहकाम के नफाज से
अहमियत के साथ माशरे के अंदर इत्मीनान और हलाल की तरवीज होगी और हराम के फैलाव में कमी आएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने तिजारत से मुताल्लिक फिकही मसाइल समझे बगैर तिजारत की वो सूद में मुबतला हो गया, वो सूद में मुबतला हो गया, वो सूद में मुबतला हो गया। ये एक ऐसी वजाहत के साथ, एक हदीस बहुत वजाहत के साथ, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल वजाहत के साथ ये बात बयान कर रहे हैं। मेरे पास कल की तारीख में एक मसला, कल या परसों की तारीख में एक साहब ने मसला पूछने के लिए फ़ोन किया और मैं वो वाक़ आपके सामने रखता हूँ जिससे एक अंदाज़ा ये होता है कि वो हजरात जो दीनी मसाइल को और कारोबारी मसाइल को अहमियत के साथ उसकी शरी मसाइल से वाकिफ नहीं होते तो उन वो किस तरीके से गलती में मुबतला हो जाते हैं। मसला ये था कि एक साहब ने अपने साथी से एक दुकान खरीदी और 2 साल पहले उस दुकान की खरीदारी मुकम्मल हुई, उसका कब्जा भी दे दिया गया, अलबत्ता उसकी कीमत की अदायगी के लिए जो वक्त मुकर्रर था उस वक्त मुकर्रर के ऊपर उन्होंने 90% कीमत अदा की और 10% की कीमत की अदायगी में उनको मजीद 2 साल की ताखीर हो गई। अब वो साहब जिन्होंने वो दुकान बेची थी वो इस बात पर मुसर हैं कि चूंकि हमारा आपने कीमत पूरी अदा नहीं की तो आप मुझे मजीद 20 लाख रुपए अदा करें और जब आप मेरे लिए 20 लाख रुपए मजीद का मुतालबा करना ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें किसी भी किस्म का की खराबी नहीं है और वजह यह है कि आपने वक्त पर अदायगी नहीं की, जब आप वक्त पर अदायगी नहीं करेंगे तो आज आप मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे कीमत अदा करेंगे। हालांकि खरीदो फरोख्त के उसूल, जो खरीदो फरोख्त के उसूल वजाहत के साथ ये बात बयान करते हैं कि जब आप खरीदो फरोख्त का मामला उधार कीमत के साथ तय कर लें तो मामला तय करने के बाद अगर खरीदने वाले ने कीमत की अदायगी में ताखीर की और कीमत की अदायगी में टाल मटोल से काम लिया तो बेचने वाले के पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है कि वो उससे ये कहे कि भाई मैं अब कीमत में इतना इजाफा कर दें और इतनी कीमत में इजाफे का मुतालबा करना उसके लिए दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये चीज उधार में, उधार की अदायगी में ताखीर में इजाफे का मुतालबा करना है और तारीफ के एतबार से ये इजाफी रकम का मुतालबा करना सूद में दाखिल है। अब इस मामले को हल करने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसकी हमने उनको रहनुमाई की कि आप अपने मामले को फसख कर लें और अपने मामले को दोबारा असर नौ नए कीमत पर तय करें और इसी तरीके से जो खरीदने वाला शख्स है उसके लिए बगैर किसी माकूल उजुर के, बगैर किसी तंगी के उस कीमत की अदायगी में टाल मटोल करना ये भी हराम है, ये भी जायज नहीं है कि खरीदने वाले ने जब एक वक्त मुकर्रर किया था कि इस मुकर्रा वक्त पर मैं कीमत अदा करूंगा तो उस मुकर्रा वक्त में कीमत की अदायगी से पसोपेश से काम लेना और वक्त मुकर्रा पर कीमत में अदा ना करना, इसको हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म से ताबीर फरमाया मतलुल गनी जुल्मुन, एक ऐसे शख्स का जो कि अदायगी की इस्तेआत रखता हो, अदायगी की इस्तेआत के बावजूद अगर वो शख्स अदायगी की इस्तेआत के बावजूद अगर वो शख्स अदायगी नहीं कर रहा तो दर हकीकत वो जिस शख्स का हक अपने ऊपर अपने गले में लेके बैठा हुआ है दर हकीकत वो उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। तो हमें अपने तिजारती मसाइल को खरीदो फरोख्त के वैलिड सेल की खरीदो फरोख्त की किस तरीके से, खरीदो फरोख्त के किन उसूलों पर खरीदो फरोख्त दुरुस्त है, इस खरीदो फरोख्त की दुरुस्तगी की शराइत व जवाबित को समझना और उससे मुतालिक फिकही मसाइल का समझना और उसको जानना बहुत जरूरी है। हजरत इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला से सवाल किया गया कि आपने बहुत सारी किताबों की तसानीफ की लेकिन किताबु जोहद के ऊपर आपने कोई तहरीर नहीं फरमाई तो हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैंने किताबुल बुयू तहरीर कर दी है और किताबुल बुयू के अंदर हलाल और हराम के मसाइल को बयान फरमाया है और हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये फरमाया कि सन्नफ्तुहू,
कि मैंने इस जोहद के लिए और किताब उस जोहद को इख्तियार करने के लिए किताब अलबुयू तहरीर कर। क्या मतलब? मतलब यह है कि इंसान किसी भी शख्स के लिए तकवा और परहेजगारी इख्तियार करना हलाल और हराम में तमीज किए बगैर मुमकिन नहीं है। हलाल और हराम में तमीज किए बगैर तकवा को इख्तियार करना मुमकिन नहीं है। चुनाचे अगर कोई शख्स 5 वक्त की नमाज की अदायगी करता है और बहुत सारे इबादात के अंदर उसके मामूलात काबिले तकलीद दर्जे के हैं, लेकिन माली मामलात के अंदर अगर उसका उसकी उसके जो मामलात हैं वो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रखते, तो इसका मतलब ये है कि वो तकवा के रास्ते पर नहीं है। इसका मतलब है वो तकवा के रास्ते पर नहीं है। चुनाचे अगर एक शख्स बहुत सदकात का एहतमाम करता है और कसरत के साथ उसके सदकात होते हैं, लेकिन उसके माली मामलात के अंदर सूद है, जब कंपनी को कर्जा लेना होता है तो वो सूद पर कर्जा लेते हैं, जब कंपनी को डिपॉजिट रखवाना होता है तो वो सूद के ऊपर डिपॉजिट रखवाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो हलाल और हराम के जो मामलात हैं और जो माली मामलात हैं उन माली मामलात के अंदर हलाल और हराम की तमीज नहीं है। उसके अंदर हराम का अंसर शामिल हो गया है, उसके अंदर सूद का अंसर शामिल हो गया है, तो उनका तकवे का जो मेयार है और परहेजगारी का जो इख्तियार करने का जो मामला है उसके अंदर बहुत बड़ी कमजोरी बाकी है। तो इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने जो ये बात फरमाई कि मैंने जोहद के लिए किताबुल वुजू लिखी, और इस किताबुल वुजू का जो मकसद है वो मकसद ये है कि हर शख्स को चाहिए कि वो हलाल और हराम की तमीज इख्तियार करे और जोहद और तकवा को इख्तियार करना जिसके बगैर मुमकिन नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलब कस्ब अल हलाल फरीज़तुन बाद अल फरीज़ा। और इसी तरीके से अगली जो हदीस है जिसमें जो सुनन अबी दाऊद से मनकूल है कि किसी साहिब इस्तेदात और मालदार शख्स के लिए ये जायज नहीं है कि वो सदक़े का माल हासिल करे और सदक़े का माल वसूल करे। चुनाचे कस्ब और कमाने के लिए इक्तिसाब को अपना पेशा बनाने की तलकीन फरमाई जा रही है और इसको फरीजा फरमाया जा रहा है, इसको फरीजे के दौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि किसी भी शख्स के लिए, ये हर मुसलमान के दिल में ये बात अकीदे के तौर पर मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इंसान के रिज़्क का फैसला फरमाया हुआ है और अल्लाह ताला ही राज़िक हैं और अल्लाह ताला के फैसले से ही इंसान को रिज़्क मिलता है, लेकिन उस रिज़्क के लिए इख्तियार के दर्जे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके साथ साथ ये हुक्म भी दिया है कि हर शख्स के ऊपर उस रिज़्क में हलाल ज़राए को इख्तियार करते हुए कस्ब करना, इक्तिसाब करना ये भी लाजिम है और ये भी फरीजा है और इसको फराइज के तौर पर ही शुमार किया जाए। चुनाचे ज़ेरे कफालत जितने भी चुनाचे जो ज़ेरे कफालत लोग हैं और उन ज़ेरे कफालत लोगों ज़ेरे इंसान के जिम्मे जिन लोगों की कफालत लाजिम है उन ज़ेरे कफालत लोगों के लिए हलाल रिस्क हासिल करना ये बहुत जरूरी है और हर इंसान की जिम्मेदारियों में, बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल। अब ये हदीस भी बड़ी अहमियत के साथ है, जैसा कि हमने शुरू में ये बात समझी थी कि जो दीनी मसाइल हैं उन दीनी मसाइल का एक हिस्सा अकायद पर मुश्तमिल है, एक इबादात पर मुश्तमिल है और एक हिस्सा मामलात के ऊपर मुश्तमिल है। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबादात की कबूलियत के लिए रिस्क के हलाल होने को शर्त करार दे दिया है। रिस्क के हलाल होना इबादात की और दुआओं की कबूलियत के लिए शर्त है। चुनाचे अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला की सिफत पाकीज़ा है, अल्लाह ताला पाकीज़गी पसंद फरमाने वाले हैं और अपनी बारगाह में पाकीज़ा चीज़ों को ही कबूल फरमाते हैं। तो लिहाजा ए अहले ईमान नेक अमल कर,
लिहाजा मोमिनीन को वही हुक्म दिया है, अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही हुक्म दिया है जो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और रसूलों को हुक्म दिया। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए रसूलों, पाकीज़ा चीजें खाओ, नेक अमल करो। और अल्लाह ताला अहले ईमान से फरमाते हैं, ए ईमान वालों, हमने जो तुम्हें पाकीज़ा चीजें दी हैं उन्हीं में से खाओ। और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र फरमाया जिसने तवील सफर किया और उसके बाल परागंदा हैं, खुद गुबार आलूद है, वो आसमान की जानिब हाथ उठा उठा कर अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद कर रहा है, या रब्बी या रब्बी। मगर हाल उसका यह है कि उसका खाना पीना लिबास और गिजा सब हराम है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। इस हदीस में जो सही मुस्लिम में मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकीज़ा माल को कबूल फरमाते हैं, और दुआ की कबूलियत के लिए, जो हमारे इबादत की कबूलियत के लिए और दुआओं की कबूलियत के लिए रिज़्क का हलाल होना, लिबास का हलाल होना, गिज़ा का हलाल होना, ये सारे ये तमाम चीज़ें शर्त हैं। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ईमान और हमारे दिलों को पाकीज़ा फरमा दें। हमारे बुजुर्गान दीन में ऐसे भी अल्लाह ताला के बुजुर्ग और नेक बंदे गुजरे हैं कि अल्लाह ताला के उन नेक बंदों का दिल इतना साफ और इतना शफाफ था कि अगर गलती से खतान यानी कि नादानी में, नादानिस्तगी में अगर कोई हराम का लुकमा अगर पेट में चला जाता तो ऐसी सूरत में उनको उसकी जुल्मत और उसकी तारीखी महसूस होती थी और वो इस जुल्मत और तारीकी का असर अपने दिल और अपनी इबादात के ऊपर महसूस करते थे। चुनाचे जो जो दर हकीकत जो रिस्क हलाल है, इसके रिस्क हलाल के जो असरात हैं क्या है। पहला असर रिस्क हलाल, ये रिस्क हलाल का लाजमी असर है कि पहला असर ये है कि मुआशरे से बुराइयों का खात्मा होता है, माशरे से बुराइयों का खात्मा होता है। इसलिए कि अगर एक शख्स हलाल कमाता है और वो अपने रिस्क के जराए को हलाल रखने की पूरी कोशिश और पूरा एहतमाम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसको ये तौफीक मिलती है कि वो अपने उस रिस्क को अल्लाह ताला के बताए हुए और उसकी मर्जी के मुताबिक खर्च करे, और वो रिस्क का वो हिस्सा जो कि हराम जराए से हासिल होता है, और उस हराम जराए से हासिल होने वाले रिस्क में जब इस बात की परवाह नहीं होती या इस बात का एहतमाम नहीं होता कि ये रिस्क किन जराए से आ रहा है, तो उस रिस्क के खर्च में भी एहतियात और एक एहतमाम नहीं होता, और एहतियात और एहतमाम के ना होने की वजह से उसमें बे एहतियाती भी होती है और वो रिस्क रिस्क का जो वो हिस्सा है वो बुराइयों में भी खर्च होता है। नाचे नाच गाने में और इसी तरीके से मौसीकी के लिए और इसी तरीके से खुदा ना खास्ता हराम वसाइल और हराम चीज़ों को इख्तियार करने में वो रिस्क खर्च हो रहा हो। तो सबसे पहला जो असर है रिस्क हलाल का, वो रिस्क हलाल का असर ये है कि मुआशरे से बुराइयां कम होती हैं और माशरे के अंदर बुराई के जो इकदामात हैं उनमें कमी होती है, ये असर है। इसी तरीके से रिस्क हलाल का एक बातिनी असर भी है, और वो बातिनी असर ये है कि जब इंसान अहमियत के साथ रिस्क हलाल को एहतमाम के साथ इख्तियार करता है तो उस रिस्क हलाल को इख्तियार करने से इंसान के दिल के अंदर नेकी के और आमाल सालिहा के ख्यालात दिल के अंदर आते हैं और बुराई के ख्यालात इंसान के दिल से दूर होते हैं। तो जब इंसान के दिल मुसफ़ा होता है, दिल पाकीज़ा होता है, दिल शफाफ होता है, तो उसकी वजह से अमली तौर पर इंसान अपने उस रिस्क को जो कि उसने हलाल ज़राए से इख्तियार किया है, उस वो इंसान का जो दिल है वो उन ज़राए को जायज़ मकामात के ऊपर ही खर्च करने की तलकीन करता है। और एक असर जो कि अभी हमने समझा कि रिस्क हलाल का एक असर ये है कि हमारी इबादत कबूल होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुनाजात हमारी मकबूल होती है।
चुनाचे अम्बिया इकराम अलैहिम सलाम ने कस्ब के लिए, कमाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए को अख्तियार फरमाया। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के पेशे को अख्तियार फरमाया। हज़रत आदम अलैहि सलाम ने खेती बाड़ी के पेशे को अख्तियार फरमाया। इसी तरीके से हज़रत इदरीस अलैहि सलाम ने किताबत और इस दर्जी के पेशे को अख्तियार फरमाया और मुख्तलिफ अम्बिया इकराम अलैहिम सलाम ने मुख्तलिफ तिजारत के पेशे को अख्तियार फरमाया। तिजारत और दीन की दावत का भी बड़ा ताल्लुक है। और आप देखें कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कुबूर पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की एक बहुत बड़ी जमात ने तो तिजारत के लिए मुख्तलिफ मकामात का सफर किया, इंडोनेशिया, मलाशिया, फिलिपाइन, चीन वगैरह में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की आमद के असरात और निशानियाँ मौजूद हैं। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की एक बहुत बड़ी जमात जो तिजारत के लिए इन तमाम मकामात का उन्होंने सफर किया था और तिजारत के लिए इन मुमालिक का सफर किया और आमली तरीके से उस तिजारत के अंदर इंसाफ और अदल को इस अंदाज में फैलाया कि लोग उन अखलाकियात की तरफ मुतवज्जे हुए और उन अखलाकियात की तरफ मुतवज्जे होने बाद उन्होंने दीन इस्लाम के अंदर शमूलियत को इख्तियार फरमाया। चुनाचे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सच्चा और अमानतदार ताजर है उसका हशर कयामत के रोज अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। और एक अगली हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई और उमूम बिल उमूम वो बात इरशाद फरमाई जो उमूमन तुजार के अंदर और ताजिर बिरादरी के अंदर चूंकि कमजोरियां होती हैं और वो अपने माल को बेचने में कोताही और गफलत से काम ले सकते हैं। चुनाचे ये फरमाया सुनाने तिर्मिजी की हदीस है कि जो तुजार हैं वो कयामत के दिन फाजिर उठाए जाएंगे सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अल्लाह ताला से डरते रहे, जिन्होंने नेकी अख्तियार की और सच बोलते रहे। और अगली जो हदीस हमने यहाँ मौजूद है जो कि लिखी हुई है कि हज़रत अबू क़तादा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इय्याकुम व कसरत अल हल्फ फिल बै, कि खरीदो फरोख्त करते वक्त ज्यादा कसम खाने से इज्तनाब करो। चुनाचे हम देखते हैं ये बुराई बहुत शाया है, फैली हुई है कि जब हम खरीदो फरोख्त का मामला कर रहे होते हैं तो उसमें कसरत के साथ इस बात का मुशाहदा किया जाता है कि खरीदो फरोख्त करने वाले अपना माल बेचने के लिए कस्में खाते हैं कि और इन कस्मों को उठाने में और कस्में खाने में इंतहाई गैर मुहतात होते हैं और इन कस्मों को इस अंदाज में खाते हैं कि भाई हम तो कसम खा रहे हैं कि हमें इतने की पड़ी, हम तो कसम खा रहे हैं कि ये इतने में पूरी मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरीदो फरोख्त करते वक्त ज्यादा कस्म खाने से इज्तनाब करो, इसलिए कि ये वक्ती तौर पर तिजारत को फरोख देती है लेकिन इससे बरकत खत्म हो जाती है। चुनाचे हम देखें कि जब हम कारोबार कर रहे होते हैं और कुछ चीजें खरीद रहे होते हैं तो कसरत के साथ हमारे सामने ये मामलात आ रहे होते हैं तो हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ हदीस में इस बात से मना फरमाया। इसी तरीके से ताजर के ऊपर एक इम्तिहान भी है, खरीदने वाला शख्स कभी कभार गैर मुहतात जुमले इख्तियार करता है, खरीदने वाला शख्स कभी कभार बेचने वाले को तंग करता है, खरीदने वाला शख्स कभी कभार भावताव करने में सख्ती से काम लेता है और वो खरीदने वाला शख्स जोर से आने की और गालिब आने की कोशिश करता है ताकि बेचने वाला उसको सस्ते दामों में चीजें बेच दे। उस मौके के ऊपर फजीलत बयान फरमाई, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ताला रहम फरमाए और रहमतें नाजिल फरमाए उस शख्स के ऊपर जो खरीदो फरोख्त और कर्ज का तकाजा करते वक्त नरमी और खुश अखलाकी के साथ मामला करता है। नरमी और खुश अखलाकी के साथ मामला करता है, एक सख्त मामला है, एक इम्तिहान है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किए जाने वाले वादे का इंसान मुस्तहिक हो जाएगा अगर वो उस मौके के ऊपर उस सख्ती को थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करे। और इसी तरीके से तकाजा करने के से मुताल्लिक सूरतुल बकरा की वो आयत भी यहाँ मौजूद है
कि अगर कोई शख्स तंगदस्त हो, मुश्किल में हो, तो ऐसी सूरत में उसको खुशहाली तक, खुशहाली के आने तक उसको मोहलत देनी चाहिए। इसी तरीके से तंबीहात में ये बात भी शामिल है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नापने और तोलने वाले ताजरों को मुखातिब करके फरमाया कि बेशक दो ऐसी चीजें तुम्हारे सुपुर्द की गई हैं जिनकी वजह से तुमसे पहले गुज़िश्ता उम्मतें हलाक हो चुकी हैं। दो ऐसी चीजें, नापने और तोलना, यानी कि नापना और तोलना मिसाल कहा जाता है कि एक ऐसा पैमाना या बर्तन कि जिस बर्तन में, जैसे दूध की तिजारत होती है कि बर्तन के अंदर दूध भर कर दिया जाता है। अब ये जो पैमाना है, ये पैमाना पूरा होना चाहिए, इस पैमाने में नीचे कोई ऐसी ऐसा कोई डेंट नहीं होना चाहिए जिससे इस पैमाने के अंदर दूध को तोलने में कमी हो, दूध को मारने में कमी हो। इसी तरीके से जो वजन के जो बट्टे होते हैं उनका वजन पूरा होना चाहिए। चुनाचे इस हदीस में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैल पूरा करना, यानी उस मापने वाले बर्तन का कप की पैमाइश को पूरा रखना, इसी तरीके से वजन के बट्टों में वजन को पूरा रखना, ये अहमियत के साथ इसको बताया गया कि मैं सी जा रही ये चीजें। और तंबीह ये है कि उम्मतें इस गलती और इस गफलत की वजह से हलाक हो गई। चुनांचे सूरह मुतफ़िफ़ीन में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कम तोलने की खराबी है और वो लोग दूसरे लोगों से नाप लेते हैं तो पूरा तोल करें, जब उन्हें नाप या तोल कर देते हैं तो कम करें, यानी जब खुद हासिल करते हैं तब तो भाई थोड़ा सा और डालो, भाई 200 ग्राम ऊपर कर दो ताकि कोई कमी ना रह जाए, और देना हो तो उस वक्त 900 ग्राम पे वजन पूरा किया जा रहा होता। तो ये वो मामलात हैं कि इन मामलात के अंदर अहमियत के साथ हमें नापने और तोलने में आजकल जो ऑनलाइन खरीदो है उसके अंदर बहुत एहतियात की जरूरत है। आजकल के दौर में ऑनलाइन का दौर है, जब हम हाजिर सौदा कर रहे होते हैं, जब खरीदने वाला शख्स हमारे सामने होता है, तो उस मौके के ऊपर भी बहुत सारे बेचने वाले लोग और बहुत सारे तुजार अपनी गलती की वजह से, गलत आदत की वजह से, लापरवाही की वजह से उस वजन में कमी करते हैं। और खसूसियत के साथ जब खरीदार हमारे सामने ना हो तो उस मौके के ऊपर इस किस्म का ये शैतान दिल पैदा करता है कि भाई खरीदने वाला तो है ही नहीं सामने, जो भी डब्बे में डाल के भेजोगे, जितना भी वजन करके भेजोगे तो इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ये शैतानी वसाविस हैं, शैतान के तरीके हैं। इसी तरीके से वासिलत बिन असका रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि कोई ऐबदार चीज किसी के हाथ फरोख्त की और खरीदार ऐब को जाहिर नहीं किया, उस पर हमेशा अल्लाह ताला का गजब रहेगा और फरिश्ते हमेशा उस पर लानत करते रहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी लाजरार वला जरार, ये एक बहुत बड़े एक उसूल है कि खरीदो फरोख के उसूल में ये बात शामिल है कि अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट मौजूद है, अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है कि जिसमें जिसकी वजह से उसकी प्राइस में कमी हो सकती है, जिसकी वजह से खरीदार खरीदने का फैसला मुतासिर हो सकता है, खरीदार का खरीदने का फैसला मुतासिर होता है, हो सकता है, ऐसे मौके के ऊपर बेचने वाले के लिए उस ऐब को छुपाना जायज नहीं है, ये धोखे में शामिल है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, देखने में बिल्कुल सही है और आज की तारीख में वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो गाड़ी मेजर एक्सीडेंट गाड़ी है, उस मेजर एक्सीडेंट के ऐब को छुपाना नाजायज है। ये ऐप को छुपाकर गाड़ी फरोख्त करना ये धोखा है, इसलिए कि जो मेजर एक्सीडेंट गाड़ी होती है अगरचे अभी उसका ऐप दूर हो चुका है, लेकिन उर्फ के अंदर, ताजिर बिरादरी के उर्फ के अंदर इस मेजर एक्सीडेंट गाड़ी की कीमत और वो गाड़ी जिसके अंदर मेजर एक्सीडेंट का ऐप ना हो, कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। अगरचे उसके अंदर आज की तारीख में ऐप नहीं है, लेकिन वो ऐप ऐसा ऐप है कि इसको छुपाने की वजह से खरीदने वाला धोखे में पड़ सकता है, तो इस लिहाजा ऐसे ऐप को छुपाना जायज नहीं है। हाँ, कोई बहुत मामूली सी ऐसी चीज हो कि जिसकी वजह से उर्फ में, ताजरों के उर्फ में कीमत में कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता और खरीदने वालों की खरीदने के फैसले मुतासिर नहीं हो सकते, मसलन
आप देखें जब आप खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों के अंदर बहुत ही मामूली सी वेरिएशंस होती, बहुत मामूली सी वेरिएशंस। मसलन आपने 100 थान कपड़े के मंगवाए और उन 100 थान के जो कपड़े हैं उनके कर्ज में बहुत मामूली सा अगर फर्क है, मामूली सा, सारे सफेद कपड़े हैं, सारे सारे थान सफेद, उसके अंदर कलर के अंदर मामूली सा एक फर्क है, या मिसाल के तौर पर कपड़े में जो प्रिंटिंग के वक्त में और इसी तरीके से फैब्रिक की डिजाइनिंग के वक्त में कभी कभार कहीं पर एक लाइन पड़ जाती है और वो लाइन मौजूद होती है कपड़े में, जिसको ऐब शुमार नहीं किया जाता, तो उर्फ के अंदर इस किस्म की वेरिएशंस की तो इजाजत है, जिसको ताजिर के ताजिर बिरादरी के उर्फ में इग्नोर किया जाता है, जिसको ताजिर बिरादरी के उर्फ में जिससे तसामह किया जाता है, उस ऐब को तो जाहिर करना लाजमी नहीं। लेकिन कोई भी ऐसा ऐसी ऐसी बात, कोई भी ऐसी ऐसा ऐसा ऐसी सिफत, कोई भी ऐसी स्पेसिफिकेशंस जिसकी वजह से प्राइस में फर्क आता हो या खरीदने के डिसीजंस में फर्क आ सकता हो, इस किस्म के ऐप को छुपाना नाजायज है और ये धोखे में शामिल है। और इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते हमेशा उस पर लानत करते रहेंगे। आप अंदाजा कीजिए, इस दुनिया के अंदर थोड़े से फायदे के लिए, अपनी एक सौदे को मुकम्मल करने के लिए, अपनी एक चीज को बेचने के लिए अगर कोई शख्स उस ऐप को छुपा लेता है तो उसका नुकसान कितना बड़ा है, कितना बड़ा नुकसान है। और उसका नुकसान ये कि फरिश्ते हमेशा उस पर लानत करते रहेंगे, इसलिए कि वो शख्स धोखे में पड़ा, उसने आगे जिसको बेची उसको धोखा लगा, वो आगे जिसको बेचेगा उसको धोखा लगेगा। तो लिहाजा हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि जो भी ऐब हैं, डिफेक्ट्स हैं, या वो सिफात हैं, देखें ऐब बाज़ोकात चीजें ऐब नहीं होती, अहमियत के साथ ये बात समझने की जरूरत है, बाज़ोकात चीजें ऐब नहीं होती बल्कि वो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वो उसके मुवासफात होते हैं, वो उसकी सिफात होती हैं जिसकी वजह से प्राइस में फर्क आता है। आप इम्पोर्टेड चाइना कह लें, इम्पोर्टेड जापान कह लें, बहुत फर्क होगा। वो इम्पोर्टेड चाइना या इम्पोर्टेड जापान कहना, हो सकता है कि कोई हमारे शुरका में से कोई इस बात पर बहस करे कि ये इम्पोर्टेड चाइना या इम्पोर्टेड जापान कहना ऐब नहीं, नहीं, वो ऐसी सिफत है कि उस सिफत की वजह से कीमत में या खरीदने के डिसीजंस में फर्क आ सकता है, तो लिहाजा इसको छुपाना जायज नहीं। इसी तरीके से जिन चीजों की खरीद व फरोख्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमा दिया है, जिन चीजों की खरीद व फरोख्त को हराम करार दे दिया गया है, उन उनकी खरीद व फरोख्त, इसी तरीके से चोरी शुदा माल की खरीद व फरोख्त, इन तमाम चीजों से बचना है। अगर किसी कारोबार में या बाजार में अगर हमें इस बात का अंदाजा हो कि जो बेचने वाला शख्स है या खरीदने वाला शख्स है वो चोरी शुदा माल बेच रहा है, तो आप वाजे तौर पर ये बात सुन लें कि इस हदीस मुबारक के रूह से अगर आपको ये अंदाजा है या आपको इस बात का गालिब गुमान है तो इस खरीदो फरोख्त में दाखिल होना जायज नहीं है। मैं और आप सब जानते हैं, मैं और आप सब जानते हैं कि हमारे शहर में, कराची में, हमारे शहर में बाज मार्केट ऐसी हैं जहां चोरी का माल बिकता है, बाज मार्केट ऐसी मौजूद हैं जहां चोरी का माल बिकता है, और वहां वो उस बाजार में भी खरीदने वालों का रश मौजूद है, उस बाजार में भी मुसलमानों का खरीदारी के लिए रश मौजूद है और मुसलमान उस बाजार से खरीदारी कर रहे हैं। क्यों भाई, हम कैसे कर सकते हैं? ये अहले ईमान के लिए, मुसलमानों के लिए ये जायज नहीं है कि अगर उनको ये बात पता हो या ये बात मालूम हो कि जो बेचने वाला शख्स या इस बाजार के अंदर चोरी का माल बिकता है तो उस बाजार में दाखिल होना या उस बाजार से माल खरीदना जायज नहीं है, इसलिए कि ये चोरी करने वालों को सपोर्ट करना है, चोरी करने वालों को की मदद करना है, हमें वहां से खरीदना जायज ही नहीं है। तो लिहाजा हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि हम इस बात पर इसकी इसको डिस्करेज करें, इसकी हौसला शिकनी करें कि उन बाजारों में हम क्यों जाएं जब हमें पता है कि वहां, अब देखिए आए दिन हमारी गाड़ियों के इंडिकेटर शीशे गायब हो जाते हैं, अब वो जब शीशे गायब होते हैं तो वो बाजार में बिकते हैं और वो गाड़ियों के शीशे, साइड मिरर और साइड की लाइटें,
ये ओरिजिनल मिलती हैं, यूज में मिलती हैं और कीमत पर मिलती हैं, एक हाई कीमत पर मिलती हैं, लेकिन वो हाई कीमत नई की कीमत से कम होती है, लेकिन चाइना की बनी हुई चीजों की कीमत से ज्यादा होती है। हम क्यों ऐसी चीजों की खरीदारी करें? हम ऐसी चीजों का, आप यकीन कीजिए, अगर ऐसे मौके के ऊपर हमें बहैसियत मुसलमान एक कम दर्जे की चीज को अख्तियार करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ओरिजिनल चोरी शुदा चीज को हासिल करने की कोशिश करें। ये जायज ही नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हम ऐसी मार्केट के अंदर उन तमाम लोगों की मुआवनत करें जो खरीदो, जो चोरी का माल अपने बाजारों में रखते हैं। इसी तरीके से अहमियत के साथ खरीदो फरोख्त के जो उसूल हैं, उन उसूलों में ये बात भी शामिल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गल्ला लाने वाले काफिलों से माल खरीदने के लिए आगे जाके ना मिलो। गल्ला लाने वाले काफले, यानी कि जो काफला गल्ला लेकर अपने गांव से शहर की तरफ आ रहा है, उससे आगे जाकर माल ना खरीदो। तुम में से कोई शख्स दूसरे भाई की खरीदो फरोख्त का मामला तय होने या खत्म होने तक उसकी उस चीज की खरीदारी का मामला ना करे। यानी अगर दो लोग किसी सौदे के अंदर नेगोशिएशन शुरू कर चुके हैं और उनकी बात अभी तक खत्म नहीं हुई, तो ऐसी सूरत के अंदर ये मकरूह है, ये जायज नहीं है, मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी है यानी हराम के दर्जे में है कि मैं उन लोगों की खरीद और फरोख्त के मामले के अंदर दखल अंदाजी करूँ। चुनाचे जो जो खरीद और फरोख्त का मामला बाजार में अगर हो रहा हो, और अगर वो खरीदारी का मामला नीलामी का मामला है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। यानी एक शख्स अगर ऑक्शन कर रहा है और उस ऑक्शन के अंदर उसने दावत दी है कि भाई जो ज्यादा पैसे लगाएगा मैं उस ज्यादा पैसे लगाने वाले को चीज बेचूंगा, वहां तो जायज है, उसमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मैंने देखा, मिसाल के तौर पर मैं कुर्बानी के दिनों में जानवर लेने के लिए गया, मैंने देखा कि दो लोग जो है ना क्या कहते हैं मामला कर रहे हैं, मुझे जानवर पसंद आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इनका सौदा तोड़ दूं और जल्दी से ज्यादा पैसे लगाकर उस जानवर को मैं खरीद लूं, ये नाजायज है, मकरूह है, तहरीमी है, हराम है, ये हराम है, ये जायज नहीं है। मुझे इंतजार करना होगा, मुझ पर लाजिम है कि मैं इंतजार करूं और अपने भाई की बात के मुकम्मल होने का इंतजार करूं। अगर वो दोनों अपने अपने गुफ्तगू से अलग हो जाएं, अपनी गुफ्तगू से अलग हो जाएं, और गुफ्तगू से अलग होने के बाद वो शख्स अपनी मंजिल की तरफ चला और दूसरा शख्स खरीदार बेचने के लिए दूसरे ग्राहक की तलाश में है, तो अब जाकर मैं अपनी बात कर सकता हूँ, या उनका सौदा मुकम्मल हो गया तो वो शख्स अपनी खरीदारी में कामयाब हो गया। तो लिहाजा ये खरीद व फरोख्त के उसूलों में ये बात शामिल है कि इंसान अपने हर तौर पर म्यूचुअल कंसेंट, जो बाहमी रजामंदी है, खरीदने और बेचने वाले की जो आजादी है, उसमें किसी भी किस्म की दखल अंदाजी ना की जाए। चुनाचे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम में मशहूर ताजिर थे, और इनकी जो तिजारत के जो हजम है, जो कि अहादीस मुबारक में मिलता है, वो 3,10,20,00,000 दीनार, और इसी तरीके से 1,00,000 बकरियां, 1,000 ऊंट, ये इनके वो असासे थे जो कि अहादीस मुबारक में। उनके उसूल क्या थे कि कभी माल उधार पर नहीं लिया, ये उनकी तिजारत के उसूल हैं। लेकिन यहाँ पर हरगिज इसका ये मतलब नहीं है कि उधार पर माल लेना नाजायज है, नहीं, ये मतलब नहीं है, उधार पर माल लेना जायज है। अहादीस मुबारक में उधार खरीदो फरोख्त की इजाजत बयान फरमाई गई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधार खरीदो फरोख्त को जायज कर दिया। बहरहाल यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तिजारत के उसूल बयान फरमाए कि वो सिर्फ कैश पे काम करते थे, खरीदते भी कैश पर थे, बेचते भी कैश पर थे, और माल का नुक्स हमेशा बताकर फरोख्त करते थे, और हमेशा जखीरा अंदोजी किए बगैर कम कीमत पर माल फरोख्त करते थे। चुनाचे ये आखिरी जो दो बातें हैं वो तो आज भी लाजिम है। यानी आज अगर मिसाल के तौर पर माशरे के अंदर चीनी की किल्लत है, आटे की किल्लत है, और वो शख्स उस किल्लत के जमाने में, कहत के जमाने में, कमी के जमाने में, अगर कोई शख्स ये सोचता है कि मैं इस माल को रोक लूं ताकि मैं बाद में कीमत बढ़ जाने के ऊपर, कहत के बढ़ जाने के ऊपर ज्यादा कीमत में फरोख्त करूं, ये जायज नहीं है, ये स्टॉक रखना जायज नहीं। जखीरा अंदोजी के लिए चंद उसूल हैं, वो जहन में रखें। इसमें एक उसूल ये है कि जखीरा अंदोजी का ताल्लुक उन चीजों से है जो इंसान की या मुआशरे की बुनियादी जरूरियात से हो।
बुनियादी जरूरियात से हों, अगर वो उन चीजों का ताल्लुक हवाइज असलिया या बुनियादी जरूरियात से नहीं है और उन चीजों का अगर कोई शख्स स्टॉक करना चाहता है तो उसकी उसमें वो जखीरा अंदोजी ममनू जखीरा अंदोजी में शामिल नहीं। लेकिन अगर कोई चीज किसी चीज का ताल्लुक हवाइज असलिया से है और हवाइज असलिया में होने के साथ उस चीज का माशरे के अंदर कहत है और वो चीज माशरे के अंदर और सोसाइटी के अंदर बाजारों में कम है, तो ऐसी सूरत के अंदर उस चीज को मिसाल के तौर पर अजनास है, गल्ला है या जिन चीजों का ताल्लुक इंसान की जरूरियात जिंदगी से, दूध है, तो इन अशिया को रोकना ताकि ज्यादा कीमत मिले, ताकि बाद में स्टोर कर लिया जाए और ज्यादा कीमत मिले, ये जखीरा अंदोजी है और हराम है, और वो जखीरा अंदोजी है जिसकी शरीयत में इजाजत नहीं। शरीयत के जो मकासद है, ऑब्जेक्टिव और शरीयत, शरीयत के मकासद में ये है कि मफाद आम्मा का तहफ्फुज हो और इसी तरीके से हराम को और नाजायज मामलात को खत्म किया जाए और जो फवाइद हैं, माली फवाइद हैं, उन फवाइद को हासिल करना जायज है। इन हराम जो हराम मामलात हैं उन हराम मामलात को नजरअंदाज किया जाए, माशरे से हराम और नाजायज मामलात का खात्मा हो और फवाइद को हासिल करने के लिए, माली फवाइद को हासिल करने के लिए, कस्बे हलाल के लिए, हलाल कमाने के लिए जो जायज जराए हैं उन जराए को इख्तियार किया जाए। कुछ उसूल हैं, मैं अपनी गुफ्तगू को अब मुख्तसर करूंगा इसलिए कि वक्त कम है और सवाल जवाब भी इंशाल्लाह देखने हैं कि खरीदो फरोख्त के अमूमी उसूल और जवाबित क्या है कि खरीदो फरोख्त के अंदर बाहमी रजामंदी हो, किसी भी किस्म का कोई ऐसा जबर ना हो कि जिसकी वजह से बाहमी रजामंदी फौत हो रही हो, म्यूचुअल कंसर्न फौत हो रहा हो। अगर म्यूचुअल कंसर्न फौत हो रहा हो और बाहमी रजामंदी अचीव ना हो रही हो तो ऐसी सूरत में इसकी खरीदो फरोख्त इजाजत नहीं। इसी तरीके से खरीदो फरोख्त के अंदर सूद से मामलात को बचाना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। मामला कि जिस कर्ज के मामले में जो लेंडर है, कर्ज देने वाला है, वो मुआहदा करके मकरूज से इजाफी रकम हासिल करे, ये सूद है। जो कर्ज का हर वो कर्ज का मामला कि जिसमें मकरूज से कर्ज देने वाला इजाफी रकम का मुतालबा करे या इजाफी सर्विस का मुतालबा करे या किसी भी इजाफी मनफात का मुतालबा करे, ये सूद है। मैं चंद मिसालों से इस तारीफ को समझाता हूँ। एक मिसाल यह है और जो कि बहुत आसान है कि एक साहब हैं, उनको पैसों की जरूरत है, दूसरे साहब ने उनको कर्ज दिया कि मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए कर्ज दे रहा हूँ, आप मुझे 1,05,000 रुपए 5 महीने के बाद वापस करेंगे। ये हर महीने का सूद 1,000 रुपए है और आप 1,000 रुपए पर मंथ इजाफे के साथ 1,05,000 वापस करेंगे, ये सूद। इसी तरीके से अगर कोई शख्स सूदी मामला करता है और वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए तो दे रहा हूँ लेकिन 1,00,000 रुपए ही आप मुझे 5 महीने के बाद वापस करेंगे, लेकिन आप 5 महीने तक अपनी मोटरसाइकिल मुझे इस्तेमाल के लिए दे दें, ये भी सूद है, ये भी सूद है। अगर वो शख्स ये कहता है कि भाई मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ, आप मुझे 1,00,000 रुपए ही वापस करेंगे, लेकिन आप मुझे जो 1,00,000 रुपए मैंने कर्जा दिया इसके एवज में या इसके फायदे में आप मुझे अपनी मोटरसाइकिल 5 महीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे दें, ये भी सूद है। दो मिसालें हो गई। तीसरी मिसाल जहन में रखिए कि रियल इस्टेट में बाज़ औक़ात ही खराबी पाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक साहब है, वो कहते हैं कि भाई मैं अपना फ्लैट किराए पे देना चाहता हूँ जिसका किराया 30,000 रुपए है। अब जो लैंडलॉर्ड हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप ऐसा करें कि वैसे तो मार्केट के अंदर रुफ ये है कि 6 महीने का किराया हम एडवांस लेते हैं, चुनाचे 30,000 किराए के हिसाब से 1,80,000 रुपए रेंट का एडवांस बनता है। अगर आप मुझे 10,00,000 रुपए एडवांस दे दें तो मैं आपका किराया 30,000 के बजाय 10,000 कर दूंगा। शरान ये मामला सूद है, शरान ये मामला सूद है। क्यों? ये सूद इस वजह से है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उस सिक्योरिटी डिपॉजिट जो इस्तेमाल करने की वजह से कर्ज की शक्ल है, उसमें एक शख्स ने ये कहा कि मैं तुम्हें ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट दूंगा, मैं तुम्हें ज्यादा कर्जा दूंगा,
उसका फायदा तुम मुझे ये दो कि जो तुमने मंथली रेंटल मुझसे चार्ज करना है उस मंथली रेंटल में कमी कर दो। तो लिहाजा मंथली रेंटल में कमी करना ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने की वजह से ये शरीय एतबार से सूद में दाखिल। इसी तरीके से अगर कोई शख्स चौथी मिसाल इसी शख्स की तरह अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर उधार पे कोई चीज बेचता है, मिसाल के तौर पर वो ये कहता है कि भाई मैं आपको एक चीज रेफ्रिजरेटर उधार पे अगर आप कैश पे मुझसे ये खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत 60,000 रुपए है, और अगर आप कैश पे खरीदने के बजाय अगर आप मुझसे उधार पे खरीदेंगे तो एक साल के उधार में इसकी कीमत 70,000 रुपए है और 2 साल के उधार पर इसकी कीमत 80,000 रुपए। इन दोनों ने मामला तय कर लिया और एक साल के उधार पर अपने मामले को मुकम्मल कर लिया। जब फरीकेन ने खरीदने और बेचने वाले ने तय करके एक साल के उधार पर इस मामले को मुकम्मल कर लिया तो अब ये खरीदो फरोख्त की कीमत 70,000 रुपए तय हो गई। अब अगर खरीदने वाले ने कीमत की अदायगी में ताखीर कर दी और कीमत की अदायगी में ताखीर करने के बाद 2 साल में कीमत की अदायगी की तो बेचने वाला शख्स इस बात का मुतालबा नहीं कर सकता कि आप मुझे 70,000 रुपए जो आपको 1 साल में देने थे वो चूंकि आप मुझे 2 साल में दे रहे हैं तो आप 70,000 के बजाय मुझे आप 80,000 रुपए अदा करें, ये भी शरान सूद में दाखिल। चुनाचे हमारे यूटिलिटी बिल्स जो कि जिसमें जो हमारे ऊपर देन होता है, जो हमारे ऊपर कर्जा बन जाता है, हम खरीदो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं तो बिजली हम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद उसकी कीमत हमारे ऊपर देन हो जाती है। उसकी कीमत चूंकि हमारे ऊपर देन हो जाती है उसके देन होने की वजह से अब अगर हम लेट पेमेंट चार्जेस उस पर देते हैं तो ये सूद में दाखिल है। हम स्कूल की एजुकेशन की फीस पर अदा नहीं करते उसमें जो इजाफी रकम देते हैं सूद है। तो लिहाजा सूद की डेफिनेशन क्या है कि जब कोई दिन की लेट हो जाए और जब उसमें कोई कर्जा क्लियर हो जाए तो कर्जा क्लियर होने के बाद उसकी ताखीर से अदायगी में अगर कोई इजाफी रकम दी जाए तो सूद है और उससे बचना जरूरी है। चुनाचे हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई उस शख्स पर जो सूद लेता है, जो सूद खाता है, जो सूद खिलाता है, यानी जो सूद लेता है, जो सूद देता है, और जो शख्स सूदी मामले को लिखता है, और वो शख्स जो उस सूदी मामले का गवाह है, और फरमाया कि ये सब लोग गुनाह में बराबर है। देखिए लिखने वाला और जो गवाही लेने वाला शख्स है उसको इसलिए बराबर करार दिया कि वो इस हराम मामले मुआविन बन रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। चुनाचे इसी हदीस की वजह से उन सूदी बैंकों में जो बैंक सूदी लेन देन करते हैं उसके अंदर काम करना, मुलाजमत करना ये नाजायज है, इसलिए कि सूदी मामले को लेन देन में सूदी मामले को लिख रहे हैं, सूदी मामले का इंडोर्स कर रहे हैं, गवाह बन रहे हैं। तो लिहाजा हमें उस जो सूदी बैंकों में होती पुराने करीम की आयात का मुताला करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो हुर्मत का जो बयान फरमाया वो तीजन चंद के अंदर इज्जत ने बयान फरमाया कि वमा आती तुम रिबल लिया फी अम्वाल, अल्लाह ताला फरमा रहे जो तुम रिबा को इख्तियार करते हो तो वो रिबा करने की वजह से हो सकते हैं अमली जिंदगी में कोई देखने वाला शख्स ये समझता हो कि मेरे माल में इजाफा हुआ, लेकिन दर हकीकत वो माल अल्लाह ताला के यहाँ नहीं पड़ता, वो अल्लाह ताला के यहाँ उसमें कोई इजाफा नहीं होता, उसके अंदर कोई खैर व बरकत नहीं है, लिहाजा उससे अपने आप को दूर रखो। जहन साजी फरमाई गई, जहन साजी की गई कि ताकि लोग सूद से सूदी मामला से अपने आप को बचाएं। इस तरीके से सूरतुन निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात बयान फरमाई कि यहूद को आजाब दिया गया इसलिए कि वो सूदी मामले को इख्तियार करते थे, सूद को हराम करार दिया गया था फिर वो सूदी लेन देन करते थे। उसके बाद सूरह आल इमरान के अंदर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, ए ईमान वालों सूद को कई गुना करके मत खाओ,
اور اس سے بچو, اس کی منع فرمایا. پھر آخری اعلان حجت الوداع کے موقع پر سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. سود کی جو تعریف ہے وہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہر وہ قرض کا معاملہ جو کسی بھی قسم کی منفعت لائے, وہ منفعت کیش کی بھی ہو سکتی ہے, وہ منفعت ان کائنڈ بھی ہو سکتی ہے, وہ منفعت سروسز میں بھی ہو سکتی ہے, وہ ساری منفعت سود ہے. یہاں پر ایک اور اہمیت کے ساتھ دیکھیں, بعض اوقات کنونشنل بینک سودی بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایچ بی ایل میں یو بی ایل میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولا اور اس کرنٹ اکاؤنٹ میں کھولنے کی وجہ سے ہم نے کسی بھی قسم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا, حالانکہ اس کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر فری چیک بک, فری سروس, فری ایس ایم ایس اور بہت ساری وہ فری سروسز ہیں کہ ان فری سروسز کی وجہ سے ان بہت ساری فری سروسز کی وجہ سے در حقیقت وہ شخص جو یعنی کہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے جس نے, معذرت میں ذرا اسکرین شیئر میری مس ہو گئی, وہ تو وہ کنونشنل بینک میں جب ہم قرض کا معاملہ کرتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اس کرنٹ اکاؤنٹ کو کھولنے کی وجہ سے جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ اس بات کا عزم کرتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے آپ سے ایک روپیہ اضافہ نہیں لوں گا, لیکن اب اس قرض کے معاملے میں, کرنٹ اکاؤنٹ کے معاملے کے اندر ایک اہمیت کے ساتھ یہ بات سمجھیں کہ جو بینک ہے وہ مقروض ہے اور جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ قرض دینے والا ہے. جو قرض دینے والا شخص ہے وہ در حقیقت فری چیک بک اور فری سروسز کا مطالبہ کر رہا ہے اور وہ قرض دینا اس لیے پسند کر رہا ہے کہ اس کو مختلف قسم کی فری سروسز مل رہی ہیں. تو در حقیقت یہ والا معاملہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر فری سروسز ہوں تو اس معاملے کو بھی شرعی اعتبار سے سود شمار کیا جائے گا, اس لیے کہ وہ مفت سروسز, وہ فری سروسز اکاؤنٹ ہولڈر کو قرض کی وجہ سے مل رہی ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے اکاؤنٹ کے جو معاملات ہیں ان کو بھی اہمیت کے ساتھ دیکھنا چاہیے, اور اگر اسلامک بینک کا آپشن موجود ہو تو کسی بھی طریقے سے ہمیں سودی بینک کے ساتھ معاملہ کرنے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بہت سارے کاروباری معاملات بینکوں سے وابستہ ہوتے ہیں, کبھی ہمیں اوور ڈرافٹ فیسلٹی لینی پڑتی ہے, ہمیں اپنے پیمنٹس کے لیے بینک اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے, تو ہمیں اس بات کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام معاملات کے اندر کسی بھی طریقے سے ہم کنونشنل بینک, سودی بینک کی طرف نہ جائیں, اور ہمیشہ اپنے معاملات کو شرعی اصولوں کے مطابق, جو بینک خدمات فراہم کر رہے ہیں ان شرعی اصولوں کے مطابق اپنے معاملات کو مکمل کریں. ہمیں اگر فائنینسنگ لینی ہے تو اسلامک بینکوں کے پاس آپشن موجود ہے, اسلامی بینکوں سے ہم ادھار کی اور فائنینسنگ کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہمیں اپنی دکان فائنانس کرانی ہے, اپنی کوئی کمرشل پراپرٹی لینی ہے, تو ہم اس کی فائنینسنگ اسلامک بینکوں سے حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر فائنینسنگ لینی ہے تو امپورٹ ایکسپورٹ کی فائنینسنگ ہم اسلامک بینکوں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو جب ہمارے پاس آپشن موجود ہے تو ہم کنونشنل بینک کی طرف کیوں جائیں, ہم سود کا وبال اپنے اوپر کیوں لیں, ہمیں اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے اور نقصان ہی نقصان ہے کہ ہم اپنے معاملات کو شرعی اصولوں کے مطابق مکمل کرنے کا آپشن موجود ہونے کے باوجود ہم اپنے اس جائز آپشن کو نظر انداز کر کے ہم جو ناجائز آپشنز ہیں, جو ناجائز معاملات ہیں, ان ناجائز معاملات کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی شرکاء ہیں, آج ہم اس عزم کے ساتھ اس سیشن کو مکمل کریں گے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی معاملے کے اندر, بینکنگ سروسز کا کوئی معاملہ ہو یا فائنینشیل افیئرز کا کوئی معاملہ ہو, اس میں سود سے اور کنونشنل بینکوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بحث سے منع فرمایا. غرر کیا ہے؟ انسرٹینٹی. غرر انسرٹینٹی یہ ہے کہ آپ کے جو مالی معاملات ہیں ان مالی معاملات کے اندر ہم کسی بھی قسم کا کسی دوسرے شخص کو, فریق آخر کو اندھیرے میں رکھ کر اپنا سودا مکمل کر لیں. سبجیکٹ میٹر ہے, یعنی کہ جو چیز ہم بیچ رہے ہیں اس کی تعین میں, اس کی مواصفات کے اندر اگر ہم نے کمی کر دی اور اس کو صحیح طور پر بیان نہیں کیا تو یہ بیع الغرر ہے, یہ دھوکہ ہے. اسی طریقے سے اگر جو چیز ہم بیچنے کے لیے جا رہے ہیں وہ چیز اگر ہمارے پاس موجود نہیں ہے,
तो ये बेउल गरारे धोखा है, पहले हमें खरीदना होगा, खरीद के फिर बेचना होगा। इसी तरीके से जो चीज हमने खरीदी है, जो हम बेचना चाह रहे हैं, वो पहले हमारी मिल्कियत में भी होनी चाहिए, कब्जे में भी होनी चाहिए। अगर वो हमारी मिल्कियत में नहीं है, कब्जे में नहीं है, तो ये बेउल गरार है। अगर वो चीज मिसाल के तौर पर हवा में है, समंदर में है, और अभी तक मेरा कब्जा और मेरी ऑनरशिप उस पर नहीं आई है, तो मेरे लिए उसको बेचना ये बेउल गरार में। इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शराब से, जुआ से और बुत से और इस तरीके से फाल निकालने, किस्मत के तीर इख्तियार करने, इन तमाम चीजों को इख्तियार करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया है। इसी तरीके से एक और उसूल क्या है, उसूल यह है कि अगर आप कोई मामला मुकम्मल कर रहे हैं तो अल खराज बिज़मान ये उसूल है कि आप किसी भी खरीदो फरोख्त के मामले के अंदर प्रॉफिट या नफा उसी वक्त देने के अहल हैं कि अगर आपने उस मामले के अंदर किसी किस्म का जमान या रिस्क उठाया है। अगर आपने उसमें कोई जमान या रिस्क नहीं उठाया तो ऐसे मामले को मुकम्मल करना जायज नहीं है। मसलन अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं किसी भी चीज का रिस्क नहीं लूंगा, यानी फला शख्स मिसाल के तो जिसको ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है कि आजकल ड्रॉप शिपिंग के मसाइल बहुत आम है कि मिसाल के तौर पर मैंने फेसबुक के ऊपर एक तस्वीर लगाई और तस्वीर लगाने के बाद मैंने ये कहा कि ये चीज है, ये घड़ी है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल 35,000 रुपए का मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, मुझे ऑर्डर मिला, मैंने मार्केट के अंदर किसी दुकानदार को कहा कि आप फला जगह पर इस माल को भेज दें। शरान ये मामला जायज नहीं है, इसलिए कि जो बेचने वाला शख्स है यानी मैं जिसने फेसबुक पर ये इश्तिहार लगाया था, मेरे लिए चूंकि मैंने इस मामले पर कब्जा नहीं किया, क्योंकि मैंने उस जो मोबाइल बेच रहा हूँ उस मोबाइल को अपनी मिल्कियत और कब्जे में नहीं लिया, तो मेरे लिए नफा रखना जायज नहीं है। इसकी जायज सूरत यह है कि मैं ये ऐलान करूं कि मैं एक ब्रोकर हूं या मेरा ब्रोकरेज का निजाम है और मैं खरीदो फरोख्त अपनी तरफ से नहीं कर रहा बल्कि किसी दूसरे शख्स के वकील के तौर पर मैं इस खरीदो फरोख्त को मुकम्मल कर रहा हूँ और ये इसके अंदर मेरा कमीशन मौजूद है और इस कीमत के साथ मेरा कमीशन के साथ मेरे कमीशन के साथ ये प्राइस इतनी है। इन तमाम मामलात को वाजे करने के बाद खरीदो फरोख्त का ये मामला जायज। तो लिहाजा मुनाफे का हुसूल यह है कि अगर कोई शख्स रिस्क एंड रिवॉर्ड को अपने जिम्मेदारी में लेता है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को अपनी जिम्मेदारी में लेने के साथ ही उस मामले के अंदर अपने मामलात को मुकम्मल करना जायज है। कुछ कॉमन चीजें हैं वो ये हैं कि हराम अशिया की खरीदो फरोख्त से हम अपने आप को बचाएं, रिबा और सूद से अपने आप को बचाएं, गरर और धोखे से अपने आप को बचाएं, जुआ से बचाएं, मामलात में शरी उसूलों को इख्तियार करें, उसको नजरअंदाज करने से अपने आप को बचाएं, इर्तिकाज़ दौलत यानी कंसीलमेंट ऑफ वेल्थ जिसको जो जखीरा अंदोजी है और कंसीलमेंट ऑफ वेल्थ है इससे हम अपने आप को बचाएं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और तकसीम दौलत के उसूल को महफूज रखें और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो माल दिया है उस माल को अल्लाह ताला के रजा के कामों में खर्च करें। ये वो चंद उसूल और जवाबित थे जो कि हमने अभी डिस्कस किए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इन तमाम मामलात को उसूल को महफूज रखते हुए हमें अपने मामलात को मुकम्मल करने की अल्लाह ताला और अपनी तिजारत को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हमारे पास कुछ सवाल और जवाबात जो हैं हम इंशाल्लाह उनको देख लेते हैं ताकि हमारे आपके पास सवालात। जज़ाकअल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत ही बेहतरीन आपका और मालूमाती और बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपका ये सेशन था और इससे मैंने भी बहुत सीखा और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब कुछ सवालात हैं, थोड़ा वक्त भी महदूद है लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपसे कोशिश करूंगा कि जो अहम सवालात हैं वो आपकी तरफ ले आऊं। एक सवाल ऑल्दो वो तिजारत के हवाले से नहीं है लेकिन वो बैंकिंग और तिजारत दोनों के हवाले से है कि जैसे आपने कहा कि अगर कीमत तय हो जाए और वो आदमी ताखिर से अदा करे तो वो सूद है, तो इस्लामिक बैंकों में भी कभी कभी ऐसा होता है कि ताखीर से अदा करने पे कुछ पैसे बैंक को देने पड़ते हैं, तो क्या वो सूद है या वो क्या हुक्म है उसका? जी देखिए, सबसे पहले ये उसूल जहन में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ हमारे माशरे के अंदर अमानत और दयानत का फुकदान है और अमानत और दयानत के फुकदान की वजह से हमें एक इस मुश्किल का या इस मसले का हल चाहिए
कि अगर कोई शख्स दयानत के ऊपर अमल ना करते हुए, खयानत करते हुए अपनी माली वाजिब को वक्त पर अदा ना करे तो क्या किया जाए। तो इसका हल उलमा इकराम ने यह बयान फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने माली मामले के मुकम्मल करते वक्त अपने ऊपर इस बात का इल्तिजाम करे और इस बात की नज़र अपने ऊपर माने कि अगर मैंने अपना बग़ैर किसी उज़ुर के अपना दैन वक्त पर अदा नहीं किया तो मैं अपने ऊपर इस बात का इल्तिजाम कर रहा हूँ कि मैं इतनी रकम 100 रुपये या 5,000 रुपये सदक़े के तौर पर जमा कराऊंगा, तो इसकी शरण इजाज़त है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह के मज़हब में इसकी मिसाल मिलती है और उसकी मिसाल को इस्लामिक बैंकिंग में फॉलो किया जा रहा है। यहाँ अजान की आवाज़, स्पीकर बहुत करीब लगा हुआ है, मुझे चंद लम्हा दीजिए कि अजान मुकम्मल हो जाए। दूसरा, इसमें आपने सही जवाब दिया कि ये जो इस्लामिक बैंक हैं, ये जो लेट अगर कस्टमर अदा देर से पैसे देता है तो ताखीर की सूरत में वो एक सदके के तौर पे कुछ अमाउंट अदा करता है, में नहीं जाती बल्कि वो चैरिटी फंड में चली जाती है और इसकी शरण इजाजत है। अच्छा, अब एक और सवाल है क्विकली कि अगर कुछ इम्पोर्टर ओवर अंडर इन्वाइस करते हैं और वो ड्यूटी बचाते हैं तो ये इनका अमल शरण क्या कहलाएगा? ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अंडर इन्वाइसिंग और मिस डिक्लेरेशन है ये शरी उसूलों के मुताबिक ये धोखा है और कानून की खिलाफ वर्जी है और इसकी कानूनन भी इसकी इजाज़त नहीं है और इसी तरीके से शरी एतबार से भी ये धोखे पर मुश्तमिल होने की वजह से इसकी इजाज़त नहीं है। हमें अंडर इन्वाइसिंग को ये बैउल गरर है और टैक्स बचाने की नीयत से इस बात को इख्तियार करना इसकी इजाज़त नहीं है। अलबत्ता बाज़ सूरतों में जहाँ पर अगर किसी ताजिर को हकीकतन किसी हुकूमत की तरफ से किसी जुल्म का सामना करना पड़े और दर हकीकत इसका कोई पैमाना मुफ्ती साहब के पास नहीं है, मुफ्ती साहब के पास इसका पैमाना नहीं है और इसका पैमाना उसी के पास है जिसका उसको आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हिसाब भी देना है और जवाब भी देना है। तो वहाँ पर अगर कोई कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा हो, जैसे बाज़ औक़ात हमारे पास मिसालें आती हैं कि कस्टम की तरफ से जुल्म हो जाता है और सही बात को बयान करने के बावजूद भी बहुत ही जालिमाना रवैये का सामना करना पड़ता है, तो इस किस्म के अगर मामलात हों और वो मामलात उस ताजिर को पेश आ रहे हों तो दयानतन वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर समझते हुए अगर कुछ करता है तो उसको उसकी गुंजाइश है लेकिन उसका हिसाब उसी को देना है। लेकिन बहैसियत मुफ्ती अगर मुझसे आप सवाल करेंगे तो ये अंडर इन्वाइसिंग ये धोखा है, बैउल गरर में ये शामिल है, ये हुकूमती कानून की खिलाफ वर्जी है और ये जायज नहीं है। अच्छा, एक सवाल है कि मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ और मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो 5% मेरी तनख्वाह का प्रोविडेंट फंड में काट लेती है और अगर मैं 5 साल के बाद वहाँ से रिटायर होता हूँ तो जितना मेरे पैसे से कटा होता है तकरीबन उतना ही 100% वो यूनिवर्सिटी भी कंट्रीब्यूट करती है, यानी 5 रुपये मेरे कटे तो 5 रुपये वो डालते हैं, तो जब मैं 5 साल बाद रिटायर हूँगा
तो 50,000 मेरे अपने मिलेंगे, 50,000 उधर से भी मिलेंगे, तो ये जायज? जी, प्रोविडेंट फंड ये उजरत का हिस्सा है, ये चूंकि ये सैलरी का पार्ट है, उजरत का कंपनसेशन का हिस्सा है, इसको अख्तियार किया जा सकता है और ये जायज। अच्छा, ये एक सवाल था, क्या इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस लिया जाता है, बहुत सारे लोग गाड़ी का सामानों का कराते हैं कन्वेंशनल तरीके से, इसके बारे में मुख्तसर हुक्म क्या है? इंश्योरेंस दर हकीकत ये कमार पर कमार और सूद पर मुश्तमिल होने की वजह से ये मामला नाजायज है और इंश्योरेंस के मामले को या इंश्योरेंस की सहूलत को इख्तियार करना जायज़ नहीं है और हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम इन तमाम सहूलियात को हासिल करने के लिए शरी उसूलों के मुताबिक जो तकाफुल का जो मामला है उसको इख्तियार करें और जो कि शरी उसूलों के मुताबिक भी है, वक्फ की बुनियादों पर है और उस मुतबादिल को इख्तियार करते हुए हम तकाफुल की सहूलत को इख्तियार कर सकते हैं। इंश्योरेंस सूद इमार और तालीकुल मिल के अलल खतर, ये चंद खराबियां हैं, इनकी वजह से ये मामला जायज़ नहीं है। अच्छा, आपने स्कूल फीस के हवाले से बताया, तो एक सवाल है कि स्कूल वाले तो पहले से बता देते हैं कि अगर आपने लेट फीस दी तो मैं 500 रुपये आपसे जुर्माना लेके अपने पास रख लूँगा, तो अगर पहले से बता दिया तो फिर भी नाजायज़ है? माली जुर्माने का उसूल यह है कि माली जुर्माना सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त लगा सकती है, यानी जैसे अगर कोई शख्स तादीबी हुकूमती उसूल को पूरा नहीं करता तो हुकूमती उसूल को पूरा ना करने की वजह से हुकूमत वक्त को तो इस बात की इजाज़त है कि वो फाइन लगा सकती है, माली जुर्माना लगा सकती है। हुकूमत वक्त के अलावा जितनी भी इनफरादी मामलात हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के लिए इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो माली जुर्माना लगाएं। इसी तरीके से हुकूमत वक्त के लिए भी जो डेट है, जो देन है, उस देन के में ताखीर के ऊपर इजाफी जुर्माना लगाना या इजाफी रकम हासिल करना वो भी जायज़ नहीं है, वो भी सूद में शामिल है। तो माली जुर्माना अगर पहले से बता भी दिया जाए तब भी वो लेना जायज़ नहीं है और हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। हमें स्कूल से बात करनी चाहिए कि आप इस शिक को ख़त्म करें और इस शिक को ख़त्म करके इसको शरी उसूलों के मुताबिक, हमारी पेमेंट सिस्टम को हमारी शरी उसूलों के मुताबिक करें। एक सवाल ये है कि जो आजकल इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो इनके साथ मामला करना जायज़ है? जी, इस्लामिक बैंक जो शरी माहिरीन मुस्तनद उलमा इकराम की निगरानी के अंदर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उलमा इकराम एक नज़्म के मुताबिक और मुकम्मल SOPs के मुताबिक उन तमाम उस बैंक के मामलात की निगरानी भी कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, तो उनके फतवे के ऊपर अमल करते हुए इस्लामिक बैंकों से अपने मामलात को मुकम्मल किया जा सकता है और उनकी तरफ से ऑफर की गई सहूलियात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये जो आपने इस्लामी तरीके तजारत के उसूल बताएं, क्या इनको नाफिज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है या इंडिविजुअल की है भी है? ये अगर हम अभी इस स्लाइड के अंदर जो हमने देखा था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये रियासती हुक्म बयान फरमाया था कि जिस शख्स को हलाल और हराम की समझ ना हो वो हमारे कारोबार, हमारे बिजनेस में और हमारे बाजार के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसी तरीके से एक और वाक़या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिलता है कि जिसमें उन्होंने ये बात बयान फरमाई कि एक शख्स मार्केट के अंदर प्राइसेस में इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो मार्केट प्राइसेस से बहुत कम पे एक चीज़ फरोख्त कर रहा था, जिससे ओवरऑल हुकूमती जो तयशुदा उसूल थे उनके अंदर फर्क आ रहा था, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने वहां पर भी उसको हुक्म दिया कि अपनी प्राइसेस को सेट करो जो कि रियासत की तरफ से बताई गई हैं, वरना तुम हमारे बाजार से उड़ जाओ। तो कुछ जिम्मेदारी रियासत की है कि वो एक ऐसे पैरामीटर्स बनाए कि मिसाल के तौर पर जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल के लिए एक पैरामीटर है कि जिसके पास डिग्री नहीं होगी वो मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकता, जिसके पास MBBS की डिग्री नहीं है वो क्लिनिक नहीं चला सकता, उसका एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा होना चाहिए। तो इसी तरीके से तिजारत के मामलात के अंदर भी तिजारती उसूल व जवाबित के लिए भी एक बुनियादी पैरामीटर्स हुकूमत की तरफ से आना चाहिए जो कि रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए
और इनफरादी तौर पर जब तक कि ये मामलात ना हो तो उस वक्त तक हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है कि वो इन तिजारती उसूलों के ऊपर अमल करे। इसकी एक और मिसाल अर्ज करता हूँ। अब जैसे ज़कात की सही तकसीम जिम्मेदारी है हुकूमत की, यानी असल हम खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन उनके दौर का मुताला करें तो हुकूमत वक्त ने ज़कात कलेक्ट की और ज़कात को की डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को संभाला, ये बैतुलमाल का काम था। लेकिन अगर आज हुकूमती बैतुलमाल या हुकूमती ज़कात का निज़ाम अगर मफलूज है तो अब हम इनफरादी तौर पर अपनी ज़कात की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका एक मुतबादिल निज़ाम रखते हुए मुस्तहिकीन की मदद के लिए कोई निज़ाम कायम कर सकते हैं। तो असल जिम्मेदारी तो बैतुलमाल की हुकूमत की थी कि वो ज़कात के पूरे निज़ाम को नाफिज करें, लेकिन अगर हुकूमत ने नहीं किया तो इनफरादी तौर पर हर शख्स साहिब हैसियत शख्स जो इस काम को जिस हद तक कर सकता है वो इस हद तक अदा करे। आज से मैं ये समझा कि बिल्कुल हुकूमत की भी है और जो ताजिर के अपने करने के काम है वो तो बहरहाल उसकी अपनी जिम्मेदारी है, अगर मुझे कम तोलना नहीं है तो मुझे जिम्मेदारी है, उसी तरह हलाल कमाना है हराम से बचना ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है बहसियत ताजिर। अच्छा ये सवाल है कि उसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेस करूँगा कि पहले करंट अकाउंट की सूदी बैंकों में खोलने के बारे में उलमा का रवैया थोड़ा नरम था, अब इसमें अब उसको मना किया जाता है, तो इस पर ज़रा वजाहत कर दें। देखिए करंट अकाउंट दर हकीकत एक बैंक के साथ किया जाने वाला एक कर्ज का मामला है और इस कर्ज के मामले के अंदर बैंक मकरूज होता है। अच्छा बैंक के मसल्स बहुत होते हैं, बैंक एक बहुत बड़ा एक कारोबारी इदारा है और बैंक उस कर्जे को लेने के बाद मुख्तलिफ किस्म के फवाइद देने की कोशिश करता है और मुख्तलिफ किस्म के फवाइद देने की कोशिश में चंद चीज़ें बहुत ही कॉमन है, मसलन मुख्तलिफ किस्म की फ्री सहूलियात देना, मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस को माफ कर देना, डेबिट कार्ड फ्री में दे देना और इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की जो विड्रॉल वगैरह की जो चार्जेस हैं उनके अंदर कीमत में और चार्जेस के अंदर कमी कर देना, ये चीजें बहुत कॉमन है। तो अगर कोई शख्स मकरूज हो यानी बैंक और वो अपने लेंडर यानी कर्ज देने वाले अकाउंट होल्डर को कर्जा देने की वजह से कोई फायदा फराहम कर रहा है तो ये सूदी मामले में दाखिल है। तो चूंकि मार्केट के अंदर करंट अकाउंट के ऊपर दी जाने वाली सर्विसेज बहुत कॉमन होती जा रही हैं और इसी तरीके से जो एक कन्वेंशनल बैंक है उसका एक बुनियादी मकसद क्या है कि मुआशरे के अंदर सूद फैलाना, तो अगर हम करंट अकाउंट किसी कस्टमर को दे किसी कन्वेंशनल बैंक को देते हैं तो दर हकीकत हम अपने करंट अकाउंट से अपना माली फायदा तो नहीं ले रहे, लेकिन हम उस करंट अकाउंट से उस कन्वेंशनल बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम मेरे पैसों से मजीद सूद कमाओ और सूदी लेन देन करो और माशरे में सूद फैलाओ। उधर हकीकत करंट अकाउंट में दो खराबियां हैं, एक तो जो अकाउंट होल्डर है उसको फ्री सर्विसेज भी मिल रही होती हैं और दूसरी खराबी यह है कि दर हकीकत उस सूद के फैलाव में करंट अकाउंट होल्डर मुआविन भी बन रहा होगा, लिहाजा हमें करंट अकाउंट कन्वेंशनल बैंक में हरगिज़ नहीं खोलना चाहिए। इसके अंदर खराबी है, इसमें बुराई की मदद है, ताउन अल इस्म है, उस ताउन अल इस्म से बचते हुए हमें सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ये अकाउंट खोलना चाहिए। अच्छा इसमें कुछ लोगों ने सवाल किया कि इस सेशन की क्या रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो मैं बताता चलूँ कि IBACIF के जो फेसबुक पेज है उस पर ये सेशन लाइव भी जा रहा है और उसके बाद ऑटोमेटिकली इसकी रिकॉर्डिंग आप सबको वहाँ पे अवेलेबल होगी। आप में से कोई अपना कोई फीडबैक देना चाहता है तो वो भी IBACIF को आप ईमेल कर सकते हैं, उसके फेसबुक पेज पे जाके बता सकते हैं ताकि हम उसको उससे उसकी बुनियाद पर अपनी चीज़ों को आगे बेहतर करें। ये एक और सवाल आया है कि जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं जैसे ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, इसके बारे में लोगों में गलत फहमी है कि ये तो सूद नहीं है, इसमें क्या हुक्म है? देखिए जो प्राइस बॉन्ड या गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स हैं जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड या PIBs हैं, दर हकीकत ये गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट ने एक डेट हासिल किया है पब्लिक से और गवर्नमेंट अपने SOPs के मुताबिक उसको एज ए बोरोइंग ही रिकॉर्ड करती है। गवर्नमेंट की चीपेस्ट बोरोइंग कहलाती है ये, जो कि वो एक जनरल पब्लिक से लेता है। अगर आप गवर्नमेंट के कागजात का मुताला करें, आप मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट स्टेटमेंट देखें,
तो उन तमाम जगहों के ऊपर इस चीज को एज ए बोरोइंग के रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये एक बोरोइंग है जो कि गवर्नमेंट ने की है, और गवर्नमेंट अपने एसओपीज के मुताबिक इस बोरोइंग के ऊपर एक मार्कअप, एक इंटरेस्ट पे करती है, जिसको पे करने का तरीका ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करती है बैलेटिंग करके। तो चूंकि वो बैलेटिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये एक मैकेनिज्म का फर्क जरूर है, लेकिन मैकेनिज्म के फर्क होने के साथ साथ दर हकीकत ये इस बोरोइंग के ऊपर आने वाला एक नफा है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स किसी दूसरे को इस कर्ज देता है, और उस कर्ज देने के अंदर जो मुहर्रिक है, जो दाइया है, जो जो एक इंसान की फितरी तौर पर एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ये है कि मैं ये कर्ज इसीलिए दे रहा हूँ कि मुझे इसमें इनाम मिलेगा, तो कर्ज देने वाला शख्स इनाम की खातिर या इनाम के हासिल करने के लिए जो भी कर्जा देगा, दर हकीकत वो कर्जा सूद को खींच के ला रहा है, और उससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। लेकिन लेन देन के लिए अगर हम नोट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल असल में था, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं ना, जो कौमी इदारा बचत के जो प्रोडक्ट हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके बारे में स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है कि वो हलाल है या हराम है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट दर हकीकत ये एक सूदी मामला है, जिसमें हुकूमत डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में पब्लिक से पैसा लेती है और उसको एक फिक्स इंटरेस्ट उस पे करती है। तो ये एक सूदी मामला है, उस डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर भी हुकूमत सूदी मामले से पब्लिक को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उससे भी हमें अपने आप को महफूज रखना है, बचाना है, और इसके जो मुतबादिल इस्लामिक बैंकों के अंदर जो स्कीम्स हैं उससे हमें फ़ायदा हासिल करना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि जो जो कर्जा और सूद का जो मामला है वो हुकूमत के लिए भी सेम है, सिर्फ माली जुर्माना तादीबी कार्रवाई के ऊपर, जैसे ट्रैफिक वायोलेशन हो गई, आपने वक्त पे टैक्स अदा नहीं किया, या और कोई ऐसा मामला जो किसी एक्शन के ऊपर, वायोलेशन के ऊपर अगर हुकूमत ने कोई माली जुर्माना लगाया, तो उसकी तो हुकूमत को इजाजत है। लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट बेस्ड एग्रीमेंट अगर हुकूमत करता है, तो वो भी इजाजत, उसकी भी इजाजत नहीं, वो भी इंटरेस्ट है, उससे भी हमें अपने आप को बचाना। ये सवाल आ रहा है कि प्राइस बॉन्ड, जैसे आपने कहा कि मना है, तो अभी जैसे मीज़ान बैंक ने प्राइस बॉन्ड ख़त्म करने के लिए लेना शुरू किया, तो इसमें क्या हिकमत है? देखिए, इस वक्त जो इस्लामिक बैंकों ने जो इजाज़त दी है वो ये दी है कि हुकूमत वक्त ने एक फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि 25,000 रुपये के प्राइस बॉन्ड को एलिमिनेट किया जाएगा और उसको डिस्कार्ड किया जाएगा। जो 25,000 के जो प्राइस बॉन्ड हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो इस्लामिक बैंक इस वक्त ये आपको ये तआवुन कर रहा है कि अगर आप अपने, आपके पास अगर किसी कस्टमर के पास 25,000 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड है और वो उस प्राइस बॉन्ड को ख़त्म करना चाहता है और उसके बदले में कैश अपने अकाउंट में लेना चाहता है, तो चूंकि यहाँ पर एक कर्जे का मामला, सूदी कर्ज का मामला ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए सूदी कर्ज के मामले के ख़त्म होने की वजह से इस्लामिक बैंक उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और इस्लामिक बैंक आपको इस बारे में मदद फराहम कर रहा है कि आप अपना सूदी कर्जे का मामला ख़त्म करें और करेंसी और जो जो अमाउंट है वो अमाउंट अपने मामले, अपने जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर हासिल कर लें। तो दर हकीकत इस्लामिक बैंक उस कर्जे को, ये इंटरेस्ट, हुकूमत ने तो तीन ऑप्शंस दिए हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप प्राइस बॉन्ड जमा कराएं और उसको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में तब्दील करा लें, क्योंकि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में तब्दील कराना ये भी नाजायज है, तो लिहाजा इसकी इस्लामिक बैंकों के प्लेटफॉर्म से किसी किस्म की कोई मदद नहीं की जाएगी। दूसरा, हुकूमत वक्त ये कह रही है कि आप 25,000 के प्राइस बॉन्ड देके दूसरे प्राइस बॉन्ड हासिल कर ले, इसकी भी इस्लामिक बैंकों के प्लेटफॉर्म से कोई तआवुन नहीं किया जाएगा। तीसरा, आप ये काम कर सकते हैं कि आप प्राइस बॉन्ड सरेंडर कर दें और ये कह दें कि भाई मैं प्राइस बॉन्ड से जान छुड़ाना चाहता हूँ, आप ये रख लें अपने पास, उसके बदले में मेरे अकाउंट में कैश दे दें, क्योंकि यहाँ पे सूदी कर्जे का मामला खत्म हो रहा है और एक नॉन कम्प्लाइंट एग्रीमेंट को ख़त्म करके आप शरिया कम्प्लाइंट मामले के अंदर एंटर होना चाह रहे हैं, यहाँ पर इस्लामिक बैंक आपको फैसिलिटेट कर सकता है। बिल्कुल, तो इसमें एक सवाल दो तीन दफ़ा पूछा गया, मैं वाजह कर दूं कि प्राइस बॉन्ड का, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि ख़रीदना वो भी गलत है, बेचना भी गलत है, जिस उसमें और उसमें जो जो नफ़ा या जो उसमें इनाम मिलता है वो भी अक्सर उल्मा के नज़दीक वो जायज़ नहीं है। और इसी तरह अभी दूसरा सवाल भी मैं देख रहा हूँ कि कई दफ़ा आया कि जो जब इस्लामिक बैंक बाज़ार में सारा अमल जायज़ है,
तो उसके अंदर अगर आप प्रॉफिट अकाउंट खोलते हैं और माहाना प्रॉफिट लेते हैं तो वो भी जायज़ है। बस एक आखिरी सवाल जिसमें मैं सेशन का इख्तिताम करूंगा कि कुछ सवाल पूछा गया कि जैसे आपने कहा करंट अकाउंट पे अगर कोई शर्त या कोई बेनिफिट मिलता है सूदी बैंकों में उस करंट अकाउंट की शर्त पे तो वो तो नाजायज़ है, लेकिन कुछ इस्लामिक बैंकों में भी करंट अकाउंट में कुछ फ्री सर्विसेज मिलती हैं, तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? इस्लामिक बैंकों के अंदर प्रायोरिटी बैंकिंग या प्रीमियम बैंकिंग की बहुत सारे बैंकों में सहूलियात मौजूद हैं, और प्रायोरिटी बैंकिंग के अंदर जो पूरी प्रोडक्ट है वो ये है कि इस्लामिक बैंक ये कहते हैं कि एक क्राइटेरिया हम बता रहे हैं और उस क्राइटेरिया के अंदर आपने एक बैलेंस मेंटेन करेंगे। अगर वो बैलेंस आपके पास मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि आप ये बैलेंस इस सेविंग अकाउंट में मुजारबा बेस्ड अकाउंट में मेंटेन करें या आप करंट अकाउंट में वो बैलेंस मेंटेन करें, ये आपके ऊपर चॉइस है। अगर आप सेविंग अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करते हैं तब भी आपको ये सहूलियात मिलेंगी, और अगर आप करंट अकाउंट में ये बैलेंस मेंटेन करते हैं तब भी आपको यही सहूलियात मिलेंगी। तो चूंकि ये जो प्रायोरिटी बैंकिंग है दर हकीकत ये एक कारोबारी फैसला है, और वो कारोबारी फैसले का मतलब ये कि मेरा बिजनेस रिलेशनशिप एक कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन के हवाले से एक मौतद भी मकदार को पहुंच गया है। जब वो एक मौतद भी मकदार को पहुंच गया है तो मैं उसको कुछ रियायात और कुछ सहूलियात दे सकता हूं, लेकिन वहां पर चूंकि मैंने कर्ज की शर्त नहीं लगाई कि मैं आपको ये बेनिफिट उसलिए दूंगा कि अगर आपने कर्ज दिया तो ये सहूलियात मिलेंगी, अगर कर्ज नहीं होगा तो सहूलियात नहीं होगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन मौजूद नहीं है। तो इसलिए प्रायोरिटी बैंकिंग में और प्रीमियम बैंकिंग के अंदर जो फ्री सर्विसेज हैं जो ऑन बोर्ड सबको दी जा रही हैं उससे फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि उसमें कर्ज की शर्त के साथ वो सहूलत नहीं आ रही बल्कि बिजनेस रिलेशनशिप की कंडीशन के साथ वो सहूलियात आ रही हैं, और एक कस्टमर के पास दोनों ऑप्शन है कि वो मुजारबा बेस्ड भी सहूलियात मुजारबा बेस्ड रिलेशनशिप मेंटेन करके सहूलियात हासिल कर सकते हैं, और इसी तरीके से ये भी सहूलत है कि आप करंट अकाउंट में अगर रखना चाहें तो उससे भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और वजाहत कर दूं कि जो प्रायोरिटी बैंकिंग के अलावा भी अगर कोई इस्लामिक बैंक है जो अपने करंट अकाउंट पे कोई सर्विस दे रहा है तो उसकी हकीकत ये होती है कि वो करंट अकाउंट के साथ मशरूत नहीं होती, ना करंट अकाउंट की या कर्ज की शर्त पे दी जाती हैं, बल्कि अगर आपने उस बैंक में ये कहा जाता है कि अगर आपने ये सर्विस फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट बैंकिंग है या ये चेकबुक है ये हर आदमी को फ्री है चाहे वो कोई सा भी अकाउंट खोले, सेविंग अकाउंट खोले या करंट अकाउंट खोले, और कर्ज की शर्त के से वो मशरूत नहीं है, तो इस वजह से वो सर्विसेज की इजाज़त दी जाती है। लेकिन अगर कोई कर्ज की शर्त से मशरूत सर्विसेज हों तो उसको फिर उलमाए किराम मना करते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेशन रहा, बहुत सारे सवाल हमारे पास आए, बहुत सारे लोगों ने हमें इस पूरे सेशन में ज्वाइन किया। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि सेशन का जो रिकॉर्डिंग है इंशाल्लाह वो अवेलेबल होगी आखिर में फेसबुक के ऊपर, और इंशाल्लाह वो आप उसमें इसको देख सकते हैं, अपने साथियों को रेफ़र कर सकते हैं, दूसरे ताजिरों को रेफ़र कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इस तरह के सेशंस IBA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक मकसद है कि लोगों में इस्लामी मामलात की, इस्लामी मईशत के हवाले से मामलात की, इस्लामी तिजारत के हवाले से मामलात की वो लोगों में उनमें आगाही पैदा करे, लोगों को रहनुमाई दे, और जो भी माशरे में जो सूद या दूसरी हराम काम हो रहे हैं या गैर इस्लामी रिवायात या तरीक़ेकार राइज हैं उनका ख़ात्मा हो, ताकि इस मुल्क में अल्लाह ताला की तरफ से रहमत भी हो बरकत भी हो। तो इसी के साथ साथ मुफ्ती साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मरकज़ इक्तिसादुल इस्लामी हाउस ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे सेशन में पार्टनर किया। मुफ्ती साबिर साहब की कमी महसूस हुई लेकिन मुफ्ती नबी साहब ने माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त सेशन कंडक्ट किया। साथ आप अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, इस तरह के सेशन सेमिनार्स होते रहते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर आप बहुत सारी इस तरह की वीडियोस देख सकते हैं और अपनी इस्लामी मईशत की, इस्लामिक बैंकारी की, इस्लामी इक्तसादियात की और इस्लामिक तरीक़े तजारत की मालूमात को आप उसमें इजाफा कर सकते हैं। तो इसी के साथ, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका ये सुनना कबूल फरमाए, मुफ्ती साहब की एफर्ट्स कबूल फरमाए,
और इससे इसका नतीजा ये निकले कि हम अपने दीनी अपनी दुनियानी तिजारती मामलात को अल्लाह ताला की रजा के लिए शरीयत के मुताबिक कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।